प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वे प्रदेश की बहनों के भाई, बेटा बेटियों के मामा तथा जनता के सेवक हैं। उन्होंने प्रदेश की जनता के हर वर्ग के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में बदलाव नजर आ रहा है। ये बात केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को जोबट विधानसभा के ग्राम आबुआ में आयोजित कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के नेतृत्व में देश और प्रदेश का विकास हो रहा है। देश और प्रदेश की सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है और इसी के लिए ही बहनों, भाइयों, माता पिता, बेटा बेटियों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की भारत में विशेष पहचान है। आदिवासी समाज की दृष्टि से सृष्टि के विकास से लेकर आज तक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आदिवासी समाज के पूर्वजों ने सृष्टि के प्रत्येक मानव मात्र को प्रकृति का विकास का रास्ता दिखाने का काम किया। जनजाति समाज के विकास हेतु केंद्र और प्रदेश सरकार ने विकास के लिए अनेक कदम बढ़ाए। केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का निर्णय लेकर आदिवासी समाज के जननायकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उस तरफ विनाश और अंधकार की सरकार और इस तरफ कमाल की सरकार, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस के शासन में न सड़कें हुआ करती थी और न ही बिजली मिलती थी, लेकिन भाजपा के प्रदेश सरकार ने क्षेत्र के विकास हेतु बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा के लिए गांव-गांव के सर्वांगीण विकास हेतु विशेष प्रयास किए। पैसा कानून के माध्यम से जनजातीय समाज को अधिकार संपन्न बनाया गया। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के विकास हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, लाडली बहना योजना से ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया का पुष्पमाला, तीर धनुष, आदिवासी जैकेट, आदिवासी गुड़िया का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग मंत्री तुलसी राम सिलावट, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह, दत्तीगांव वन विकास निगम के अध्यक्ष माधो सिंह डावर, सांसद गुमान सिंह डामोर, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष कैलाश चावला, नागर सिंह चौहान, विशाल रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष मक्कू परवाल, किशोर शाह सहित अन्य गणमान्य जन प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। वंदे भारत से हरीश सोनी की रिपोर्ट।